दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर 3D विद प्रोफेसर। बहुत जल्द लॉन्च होने वाले इस ऑनलाइन 3D कोर्स के बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। 3D एनिमेशन की मदद से आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ट्रेन अपनी पटरी चेंज कैसे करती है, यानी कि हाउ डू ट्रेन्स चेंज ट्रैक्स। इस वीडियो की शुरुआत एकदम बेसिक से करेंगे और ये मान के चलेंगे कि ट्रेन ट्रैक्स यानी कि ट्रेन की पटरियों के बारे में आप सिर्फ ये जानते हो। इसके अलावा ट्रेन में ट्रेवल करते वक्त ये देखने के लिए हाईली एक्साइटेड रहते हो कि आखिर ट्रेन्स ट्रैक चेंज करती कैसे है। आप ये अच्छे से जानते हो कि ये एक ट्रेन का इंजन है और इंजन जिस चीज पे टिका हुआ होता है उसे बोगी कहा जाता है। इस बोगी में ये टोटल 6 व्हील्स लगे हुए होते हैं और इस वीडियो में ट्रेन के इस व्हील से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर आपको इस व्हील का डिजाइन समझ आ गया तो आपको बड़ी आसानी से यह भी समझ आ जाएगा कि ट्रेन्स ट्रैक कैसे चेंज करती हैं। ट्रेन के व्हील का यह हिस्सा जो ट्रैक के अंदर की तरफ है लेकिन व्हील की बाकी बॉडी से थोड़ा सा बड़ा है, इसे फ्लेंज बोला जाता है। और ट्रेन के व्हील के शेप को आउटवर्ड कॉनिकल शेप बोला जाता है, यानी कि अगर आप ट्रैक से दूर जाने की डायरेक्शन में देखोगे तो व्हील छोटा होता जाएगा। अब ये जो फ्लेंज है इसका काम है ट्रैक चेंज करवाना और ये जो कॉनिकल शेप है इसका काम है कर्व्स पे, या यूं कह लो कि ये मोड़ पे ट्रेन्स को पलटने से रोकना। आइए देखते हैं कैसे। कई लोगों को ये डाउट होता है कि ट्रेन इंजन के अंदर लोको पायलट के सामने लगा हुआ ये स्टीयरिंग व्हील ही ट्रेन्स को पटरी बदलने में मदद करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्टीयरिंग एक एक्सेलरेटर है और इसका काम है ट्रेन की स्पीड बढ़ाना। अब ध्यान से समझो, इस स्टीयरिंग को घुमा के आपने ट्रेन को मूवमेंट दिया, उससे ये व्हील्स आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते बढ़ते ये व्हील्स अब उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर ट्रेन को अपना ट्रैक चेंज करना है। अब 2 मिनट के लिए इन व्हील्स को भूल जाओ और आपका पूरा फोकस मुझे इधर चाहिए। ये जो इतना सिस्टम है जहां पर ट्रेन ट्रैक चेंज करती है इसे पॉइंट बोला जाता है। इस पॉइंट के साइड में ये जो मशीन लगी हुई है इसे पॉइंट मशीन बोला जाता है, और इस पॉइंट मशीन का काम होता है इस क्लोजर रेल का मूवमेंट करना। यानी कि अगर ट्रेन को राइट साइड जाना है तो यह पॉइंट मशीन इन क्लोजर रेल को पुश करेगी, जिससे इन क्लोजर रेल्स के स्टार्टिंग का हिस्सा जो कि पॉइंट ब्लेड कहलाता है वो लेफ्ट साइड में तो ट्रैक के अंदर फिट हो जाएगा और राइट साइड में ट्रैक से दूर हो जाएगा। उम्मीद है आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि फ्लेंज का काम होता है अंदर की तरफ से इस व्हील की ग्रिप बनाए रखना। अब जैसे ही ये व्हील्स इस पॉइंट के पास पहुंचे तो ध्यान से देखो कि किस प्रकार इस फ्लेंज की वजह से ये व्हील्स राइट डायरेक्शन की तरफ चले गए। क्योंकि ये फ्लेंज अंदर की तरफ है इसलिए पॉइंट पर पहुंचते ही इस लेफ्ट व्हील का मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है। और अगर ट्रेन जिस पटरी पर चल रही है उसी पटरी पर रहना चाहती है तो ये पॉइंट मशीन इन क्लोजर रेल्स को अपनी तरफ पुल करेगी, जिससे ये पॉइंट ब्लेड्स राइट साइड में तो इस पटरी के अंदर फिट हो जाएंगे और लेफ्ट साइड में पटरी से दूर हो जाएंगे। अब होगा ये कि जैसे ही ये व्हील्स इस पॉइंट के पास पहुंचे तो लेफ्ट व्हील तो इस गैप में से होता हुआ सीधा चलता जाएगा, लेकिन ये राइट व्हील इस फ्लेंज की वजह से इस पटरी को पकड़ लेगा और ट्रेन उसी ट्रैक पर चलती जाएगी जिस ट्रैक पर वो ऑलरेडी चल रही थी। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो इस हिस्से को फ्रॉग बोला जाता है और ये पटरियां जो आगे कंटिन्यू हो रही हैं इन्हें फ्रॉग रेल्स बोला जाता है। इन फ्रॉग रेल्स का काम है इन व्हील्स को कंटिन्यूटी देना। ये देखो, जैसे ही ट्रेन ने एक बार ट्रैक चेंज कर लिया उसके बाद वो इन फ्रॉग रेल्स को अप्रोच करेगी और कुछ इस तरीके से ये फ्रॉग रेल्स इस ट्रेन को रास्ता देंगी। आपने ये तो देख लिया कि ट्रेन से एक पटरी को छोड़ के दूसरी पटरी पर कैसे जाती हैं, पर अभी भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है। गैस वॉट क्वेश्चन ये है कि पॉइंट मशीन को कंट्रोल कौन करता है।
ये कौन डिसाइड करता है कि ये पॉइंट मशीन इस क्लोजर रेल को पुश करेगी या पुल करेगी? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपसे कुछ 3D की बात करनी थी। टू बी ऑनेस्ट, आज तक हजारों लोग मुझसे ये पूछ चुके हैं कि आप ये 3D एनिमेटेड वीडियोस कैसे बनाते हो, लेकिन मुझे जोर का झटका जोरों से तब लगा जब मुझे ये पता चला कि आप में से 90% लोग पर्सनली मुझसे 3D एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हैं। और ताकि आप प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल जैसी 3D वीडियोस आसानी से बना सकें, मैंने खुद आपके लिए मास्टर 3D विद प्रोफेसर नाम से एक 3D वीडियोस का कोर्स प्रिपेयर किया है। इस कोर्स की लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। एनीवेज, अगर बात करें कि पॉइंट मशीन को कंट्रोल कौन करता है, तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि शुरुआती दिनों में, आज से कई साल पहले, पॉइंट मशीन होती ही नहीं थी, बल्कि इसकी जगह ये लेवर होते थे। इन लेवर्स को ऑपरेट करने के लिए यहां पर एक आदमी की ड्यूटी लगा करती थी, जिसे पॉइंट्समैन बोला जाता था। इस सिस्टम के साथ प्रॉब्लम ये थी कि पॉइंट्समैन की गैर मौजूदगी में कोई भी इस लेवर के साथ छेड़छाड़ कर सकता था और किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता था। इसलिए इन लेवर्स को यहां से हटाकर केबिन्स के अंदर शिफ्ट कर दिया। रेलवे स्टेशन के स्टार्टिंग और एंड पे आपने इस तरीके की दो बिल्डिंग्स देखी होंगी, इन्हें केबिन बोला जाता है। कई सालों तक लेवर्स को इस केबिन के अंदर से ही ऑपरेट किया गया, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, वैसे वैसे ये केबिन्स भी यूजलेस होते गए। पॉइंट मशीन को लेके आज क्या कंडीशन है, अगर इस बारे में बात करूं तो ट्रेन की पटरी बदलने के टॉपिक को एक बड़े ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब चूंकि मैं जयपुर में रहता हूं, तो आपको यहीं के एग्जांपल से समझाता हूं। जयपुर शहर में मेनली ये स्टेशन्स हैं, 22 गोदाम, दुर्गापुरा, गांधीनगर, जगतपुरा, जयपुर जंक्शन और कनकपुरा। अब ये जो 6 स्टेशन्स हैं, ये मिलके बनाते हैं एक सेक्शन, और इस पूरे सेक्शन को जो कंट्रोल करता है इंडियन रेलवेज में, उसे सेक्शन कंट्रोलर कहा जाता है। इसी प्रकार से अब इतने बड़े स्टेशन को भी कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो इंडियन रेलवेज में स्टेशन को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति को स्टेशन मास्टर कहा जाता है। अब ध्यान से समझो, इस सेक्शन कंट्रोलर का काम है इस बात पर नजर रखना कि कौन सी ट्रेन को कौन सी पटरी से होते हुए किस डायरेक्शन में भेजना है। एक बार सेक्शन कंट्रोलर ने फाइनल डिसीजन ले लिया, फिर वो स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा कि इस प्रोफेसर ऑफ हाउ एक्सप्रेस को राइट साइड में डाइवर्ट करना है। फिर ये स्टेशन मास्टर इसके सामने रखी हुई इस मशीन में ये बटन दबाएगा, जिससे डायरेक्टली इस पॉइंट मशीन के पास सिग्नल जाएगा कि इन क्लोजर रेल्स को पुश करना है। क्लोजर रेल्स को पुश करते ही ट्रेन अपने आप राइट डाइवर्जन की तरफ पटरियों पर होती हुई गुजर जाएगी। अब आपको एक फैक्ट बताता हूं, ये जो पॉइंट्समैन है, इसकी सैलरी से लगभग 2 गुनी सैलरी होती है स्टेशन मास्टर की, और इस स्टेशन मास्टर से भी ज्यादा सैलरी होती है इस सेक्शन कंट्रोलर की। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? या फिर आपने हजारों रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे होंगे जिसमें दो अलग अलग बंदे, सोनू और शुभम, सेम कॉलेज से पढ़ के, सेम डिग्री लेके भी, एक तो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है और दूसरा 12,000 रुपया महीने की डेटा एंट्री जॉब कर रहा है। इन दोनों ही केसेस में आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस हो सकता है? अगर मैं बताऊं तो डिफरेंस है सिर्फ एक चीज का, आई रिपीट, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, और वो है स्किल्स। डिग्री लाओ नौकरी पाओ, डिग्री लाओ नौकरी पाओ वाला जमाना ऑलमोस्ट जा चुका है, और अब टाइम आ रहा है बेटर स्किल्स मोर मनी का। इसलिए आपकी स्किल्स को बूस्ट करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ आवर्स इन्वेस्ट करके स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने हाथों से, अपने इस दिमाग से और बड़े प्यार से आपके लिए ये मास्टर 3D विद प्रोफेसर नाम से कोर्स प्रिपेयर किया है। इस कोर्स का प्राइस और लॉन्च डेट जानने के लिए अभी की अभी डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट्स में दी गई लिंक्स को यूज करके professorofhow.com वेबसाइट पर जाओ, ज्वाइन द वेटिंग लिस्ट पर क्लिक करो, अपना ईमेल एंटर करके इस बटन पर क्लिक करो। कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए आप मुझे मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। एंड वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।